एक ऐसी जगह जहां से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता, एक ऐसी जगह जहां हर रोज सैकड़ों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। प्रदेश ही नहीं, आसपास के कई राज्यों के लोग यहां अपनी मन्नतें मांगने पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं बदायूं जिले में स्थित सागर ताल दरगाह की, जिसकी इतनी मान्यता होने के बावजूद भी उसकी हालत पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। दिल्ली में मौजूद निजामुद्दीन औलिया के पिता और बाबा की दरगाह बदायूं में है, जिसे सागर ताल दरगाह के नाम से जानते हैं। ताल के सुंदरीकरण के लिए कई बार लोगों ने प्रशासन से मांग की, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ है। काम हुआ मगर किसी ने करा नहीं आज तक। पैसा भी मंजूर हुआ इस पे 16 करोड़ रुपया, वो रुपया भी कागजों पे आया, कागजों पे गड्ढा हुआ, कागजों पे बना और कागजों पे खत्म हो गया। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन की अवहेलना का शिकार सागर ताल दरगाह कब अपने वजूद में वापस आता है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो अगर ताल का सौंदर्यीकरण कराया जाए तो ये बेहद खूबसूरत जगह बन जाएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्रांतिवीर सिंह, ईटीवी भारत, बदायूं।